बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। मैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रथम सिख गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मानव जाति के इतिहास में गुरु नानक देव जी का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है। गुरु नानक ने करुणा, संवेदना, भाईचारे और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। गुरुपुरब दिया आप सारियां नू लख लख बधाइयां। सबसे पहले मैं पूज गुरुदेव नानक देव जी को उनके अवतरण दिवस पर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमें नैतिकता और आध्यात्मिकता से पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। मानव जाति के इतिहास में गुरु नानक देव जी का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है। अपने जीवन के अलग अलग समयों में गुरु नानक देव जी ने सदैव करुणा और संवेदना की भावनाएं प्रदर्शित की। भाईचारे और सहअस्तित्व के उनके विचारों ने जीवन की एक नया रास्ता दिखलाया। गुरु नानक देव जी ने विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए कहा था कि सभी मनुष्य की उत्पत्ति एक ही परमात्मा से हुई है। हमारे समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव व्यर्थ हैं और आज के हिंसा से त्रस्त विश्व में हम सभी का सृजनहार एक ही है। अपने समय में विश्व के लोगों की स्थिति को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने करुणा, प्रेम और मुक्ति के संदेश का प्रसार किया। गुरु जी इसी बात में पूरी तरह से विश्वास करते थे कि बेईमानी से कमाई गई बेशुमार दौलत से बेहतर है हम ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाएं। इसलिए हमें गुरु जी के इस संदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के सभी क्षेत्रों में मर्यादा, नैतिकता और ईमानदारी का पालन किया जाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने हमें एक ऐसे सच्चे मार्ग के बारे में बताया था जिसके मूल में सांसारिक जीवन को त्यागना नहीं बल्कि इसी में रहते हुए अहंकार से मुक्त होना है। सुमिरन करते हुए एक ओंकार को प्राप्त करना तथा ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना है। इस पावन अवसर पर मैं सभी से अहंकार का त्याग करने, अपने देश और मानवता की सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करने का आह्वान करता हूँ। गुरु जी के आदर्शों पर आधारित सिख धर्म के लोग बहुत सीख सकते हैं। इस धर्म की सबसे प्रमुख शिक्षा सेवा है, अर्थात दूसरों के कुछ पाने की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ सेवा। लंगर की परंपरा हमें सेवा करने, विश्वास, सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है जो कि हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी का जीवन, उनके द्वारा बताए गए आदर्श न केवल सिखों को बल्कि पूरी मानवता को नैतिकता और सदाचार पूर्ण जीवन जीने की राह दिखाएंगे और आने वाले समय में भी विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करेंगे। इस पावन पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से लख लख बधाइयाँ और ये कामना करता हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, हम अपने कार्यों में उनके प्रेम, सहिष्णुता, मेल मिलाप और करुणा की शिक्षाओं का पालन करते रहें। गुरु जी को प्रणाम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सभी को शुभकामनाएं दी गुरु पर्व की, प्रकाशोत्सव की, जहां गुरु नानक देव जी का 551वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने बधाई दी, किस तरह से उनके बताए मार्ग पर चलने की बात गुरु नानक देव जी कहते थे और उनके अनुयायी भी उसी राह पर चलते। आज संकल्प भी लिया जा रहा है कि जो रास्ता गुरु नानक देव ने दिखाया है उसी रास्ते पर चलने का प्रण संकल्प भी लोग ले रहे हैं। सुबह से ही गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं श्रद्धालु, पहुंचकर शब्द कीर्तन का दौर जारी है और इस प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। वीडियो संदेश जारी कर बधाई लोकसभा स्पीकर ने दी।
इसके अलावा भी सुबह से जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें जहां गुरुद्वारे पर विशेष इंतजाम किए गए, हालांकि शबद कीर्तन का दौर चलता है, कई कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से कई जगह कुछ कार्यक्रमों को रद्द किया गया है, इस बार नहीं किया जा रहा है, लेकिन एहतियात के साथ श्रद्धालु ज़रूर पहुँच रहे हैं। निर्देशित किया गया है कि बहुत ही लिमिटेड श्रद्धालु पहुँच सके, भीड़ इकट्ठी ना हो यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके और इन एहतियातों के साथ गुरुद्वारों पर इंतजाम किए गए हैं।